सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा को देखने का इंतजार फाइनली खत्म हो चुका है, क्योंकि फिल्म आज ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। शेरशाह के बाद एक बार फिर से सिद्धार्थ मल्होत्रा भरपूर एक्शन करते हुए दिखाई दिए। करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में पहली बार उनकी जोड़ी राशि खन्ना और दिशा पाटनी के साथ फैंस को देखने को मिली। फिल्म में निर्देशन की कमान सागर आंबरे और पुष्कर ओझा ने संभाली है। योद्धा की कहानी एक ऐसे सैनिक की है जो आतंकवादी द्वारा विमान के अपहरण के बाद यात्रियों को बचाने की कोशिश करता है। रोमांटिक हीरो के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा बैक टू बैक फिल्मों में एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा में खास चीज है, वह हमेशा से फिल्मों में यूनिक और नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस ही देते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा को ओपनिंग डे पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उससे साफ है कि फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर सफल रहेगी। फिल्म की कहानी भारतीय सैनिक की है जो अपने पिता की तरह देश के लिए कुछ करना चाहता है। अरुण कटियाल उसके पापा सुरेंद्र कटियाल द्वारा शुरू की गई यूनिट योद्धा का एक जांबाज ऑफिसर है। एक दिन जब वह देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट की सुरक्षा के लिए उनके साथ एक फ्लाइट में होता है, तभी उसे कुछ लोग हाईजैक कर लेते हैं। उन्हें बचाने के दौरान अरुण और ग्राउंड ऑपरेशन पर तैनात टीम में कुछ कन्फ्यूजन होता है और हाईजैकर साइंटिस्ट की हत्या कर देते हैं, जिसका इल्जाम योद्धा टास्क फोर्स पर आ जाता है। अरुण के पिता की बहादुरी से शुरू हुई इस यूनिट को बंद कर दिया जाता है। ऐसे में वह अपनी पूरी जी जान लगा देता है इसे दोबारा शुरू करने के लिए, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। कुछ सालों बाद दोबारा से कुछ ऐसी ही घटना होती है। दिल्ली से लंदन जा रही फ्लाइट में अरुण गलती से चढ़ता है या उसे योजना बनाकर उसमें चढ़ाया जाता है। उसके फोन पर मैसेज भेजे जाते हैं कि फ्लाइट हाईजैक होने वाली है। इन परिस्थितियों के बीच अरुण के हाथों कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि भारत सरकार के लोग उसे ही हाईजैकर समझ लेते हैं। फिल्म में भारत पाक का एंगल भी दिखाया गया है। क्या अरुण प्लेन हाईजैक करने वालों को पकड़ पाएगा? क्या वह खुद की बेगुनाही साबित कर पाएगा? और योद्धा टास्क फोर्स यूनिट दोबारा शुरू होगी? ऐसे तमाम सवाल जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। देशभक्ति पर बनी फिल्म का अपना अलग ही क्रेज है। ये फिल्म भले ही ऐसे किसी खास मौके पर नहीं रिलीज की गई है, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो खुद बखुद देशभक्ति की भावना से जुड़ जाएंगे। फिल्म फुल पैसा वसूल है और वन टाइम वॉच है। कहीं कहीं फिल्म की कहानी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन कुछ मौकों पर फिल्म की स्क्रिप्ट सरप्राइज करती है। मेकर्स को इसका श्रेय जाता है। वहीं सिद्धार्थ का कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल इस फिल्म में काफी हाई है, जो फिल्म को और भी रिलायबल बनाता है। इस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेब